हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास कुल्हड़ हैं और मैं कहीं गई थी तो वहाँ से ही मैं इनको लेकर के आई। कुछ कुल्हड़ मेरी जो बीच रास्ते में ही टूट गई थी, फिर भी मैं उनको एक साथ इकट्ठा करके लेकर के आई हूँ। उन्हें भी आज हम इस्तेमाल में करेंगे, मतलब कि लेंगे। दोस्तों, इसका हम बनाएंगे छोटा सा एक क्राफ्ट, छोटा सा मिनीचर गार्डन तैयार करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देखने में या बनाने में, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, ये जो कुल्हड़ के कुछ पार्ट्स टूट गए थे, इनका भी इस्तेमाल हम करेंगे। और आप चाहे तो इनमें होल बना लीजिए, वैसे होल कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन कुल्हड़ मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के लग रहे हैं इसलिए मैं इनमें होल नहीं करूँगी। पानी सिर्फ सिंपली अगर स्प्रे से भी दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो अभी हम इनके अंदर प्लांट्स लगाने वाले हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दो कुल्हड़ रेडी करूँगी, मतलब छोटे से कुल्हड़ के जो हम क्राफ्ट बनाएंगे वो दो कुल्हड़ों का बनाऊंगी, और एक ये मेरा कुल्हड़ है जो टूट चुका था, तो इसे भी आज हम इस्तेमाल में लेंगे। अगर आप लोग भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या बनाना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों, अब हम जो इनमें सोइल भरने के लिए सोइल रेडी करेंगे वो थोड़ी इस तरीके की होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम कुल्हड़ में कोई भी मिनीचर गार्डन बनाते हैं या छोटे मोटे प्लांट्स लगाते हैं तो उसके लिए हमें सोइल थोड़ी बेस्ट बनानी होती है, जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं वो ख़राब ना हो और आराम से चलते रहें। दोस्तों, आप लेंगे अपनी गार्डन सोइल, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा सैंड, थोड़ी सी कोकोपीट, क्योंकि इनमें जल्दी पानी सूखता है इसीलिए हल्का सा हम कोकोपीट भी मिलाएंगे। तो मैंने सारी सोइल पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी, और अब देखिए दोस्तों, मैंने कुल्हड़ में जो सोइल है वो फिल कर लिया है, और एक जो हमारा छोटा टूटा हुआ कुल्हड़ था उसको भी मैं इसमें सेट कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये सोइल में बिल्कुल फिट हो जाएगा। जो अभी टूटा हुआ कुल्हड़ आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अभी एक दो दिन तक तो वो थोड़ा सा लगेगा कि आपको हिला हिला सा हो रहा है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे ना सोइल में अटैच हो जाता है। और मेरे पास जो स्प्रे बोतल है वो मेरी ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं पानी इस तरीके से दे रही हूँ। आपके पास अगर स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे करके ही दीजिए, जिससे कि सोइल बाहर भी ना आए। और ये देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से जो सोइल है वो पी रही है, क्योंकि बुलबुले उठ रहे हैं सोइल में, आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं पहले अच्छे से इनको पानी दे दूँगी, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई मिनीचर गार्डन बनाते हैं, देखिए दोस्तों, अब मैं दूसरे वाले को फिल कर रही हूँ, उसमें सोइल भर रही हूँ, और सोइल भरने के बाद इसमें जो हम जो हमारी कुल्हड़ टूट चुकी थी उसका जो पार्ट है वो हम इसमें अटैच करेंगे। और लगाने के बाद दोस्तों, सोइल में पानी देंगे, जिससे कि हमारा जो ये टूटा हुआ कुल्हड़ है जो उसका जो पार्ट है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएंगे, और जब भी हम प्लांट लगाते हैं मिनीचर गार्डन बनाते वक्त, उसमें वो वाले प्लांट लगाने चाहिए जिसमें बहुत ही कम पानी में, बहुत कम सोइल में सालों साल पड़े रहें, मतलब चलते रहें। तो मैं भी कुछ इसी तरीके के प्लांट लगाने वाली हूँ। अधिकतर हमारे गार्डन में ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो बहुत ही कम सोइल में और बहुत ही कम केयर में सालों साल ऐसे ही चलते रहते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, पेंसिल कैक्टस हो गया, या फिर आप कोई भी कलेंचो की छोटी मोटी वैरायटी ले लीजिए। बहुत सारे वैरायटीज़ आती हैं दोस्तों, अगर नहीं आती हैं तो अभी आप देखिएगा जो मैं लगा रही हूँ वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके गार्डन में है, जैसे कि एलोवेरा का छोटा वाला भी जो बेबी होता है एलोवेरा का वो, और क्रैसुला ओवाटा, या फिर जेड प्लांट। अब ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ प्लांट्स लेकर के आई हूँ अपने गार्डन में से ही, वो मैं अभी पानी में डिप कर दिए थे और अभी आप लोगों के साथ ही लगाते हुए सेट करने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसको पानी में डिप करके इसको अच्छे से पानी पिलाएंगे, उसके बाद देखिए दोस्तों हम कैसे किस तरीके से अपने छोटे से कुल्हड़ को डेकोरेट करते हैं। पानी दे रही हूँ दोस्तों, स्प्रे से देंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिया जाएगा, लेकिन मेरी स्प्रे बॉटल थोड़ी ख़राब हो चुकी है। ये देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने मग से पानी डाला तो सोइल बाहर आ गई है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो बहुत आराम से पानी दिया जाता है, लेकिन मैं इस तरीके से अब पानी दूंगी जिससे कि सोइल धीरे धीरे सेट हो जाए और पानी भी प्रॉपर एग्जॉर्ब कर ले। अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो लास्ट तक वीडियो में ऐसे ही बने रहें। सबसे पहला प्लांट जो मैं लगा रही हूँ दोस्तों, ये हमारा क्रैसुला ओवाटा, ये भी बहुत आराम से चलता है और बहुत कम केयर में, बहुत कम सोइल में आराम से ग्रो होता रहता है। विंटर के समय में क्रैसुला बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है मेरे गार्डन में, तो
तो दोस्तों इसी की मैं कुछ कटिंग्स लेकर के आई थी, वही कटिंग मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये भी देखिए तो मैंने लगाया, वो भी क्रैसुला की ही कटिंग है। और थोड़ी सी मैं लेकर आई थी अपनी एक एलोवेरा की कटिंग और दो कलेंचो, तीन कलेंचो की वैराइटीज़ जो भी आपके सामने मैं लगा के देख रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ही लगा करके सेट करके देख रही हूँ कहाँ पर कौन सा प्लांट अच्छा लगेगा। तो और एक लेकर आई थी मैं थोड़ा सा और टर्टल वाइन, ये भी बहुत ही कम सोइल में आराम से चलता है। लगाते वक्त अगर आपकी कटिंग अच्छे से नीचे नहीं जा पा रही है तो आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होल करने के लिए। होल करने के लिए दोस्तों जब हम प्लांट लगाते हैं तो बहुत आराम से चले जाते हैं। सोइल को भी अगर आपको लगता है कि सोइल हट रही है तो थोड़ी थोड़ी सोइल आप किसी भी टूल से प्लांट में दबा सकते हैं, क्योंकि एक तो इतना छोटा होता है कि प्लांट लगाते वक्त भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि हम उसमें एयर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप किसी भी टूल से उसकी आसपास की एयर को भी, मतलब जो सोइल है उसको आप दबा सकते हैं, जिससे कि एयर ना जा सके। अब बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि हम घर में भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम इसमें सीढ़ी टाइप बनाएंगे। उसके लिए भी हमने टूटे हुए कुल्हड़ के जो पार्ट हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ही इसको हल्का सा शेप में कट किया और मिट्टी के, मतलब सोइल के अंदर दबा करके और इस तरीके से लगा दिया जैसे हम सीढ़ी बनाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये कुल्हड़ का ही सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसको हल्का हल्का सा मैं कट कर दे रही हूँ, तोड़ दे रही हूँ। आप भी कुल्हड़ है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी लग रहा है बहुत ज़्यादा हल्की है, तोड़ती हूँ, मतलब इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो ज़्यादा टूट जाता है। दोस्तों जब हम इस तरीके की पैड़ियाँ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब आप देखना कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपके घर में भी कुल्हड़ है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा बहुत ख़राब होगा तो कोई नहीं, बनाते बनाते धीरे धीरे अच्छा बनने लग जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए कोशिश करते रहें। कोई भी चीज़ जब हम पहली बार बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बनती है, लेकिन जब आप बनाते रहेंगे तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुल्हड़ के पार्ट को दोबारा से कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे सोइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हल्का सा सोइल को मैंने एक टूल की मदद से हटा करके तब इसकी पैड़ियाँ लगा रही हूँ, लेकिन वो सेट नहीं बैठ रहा है। मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर भी दोस्तों आप जब हम इसे अटैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं बैठा है तो आप जिस तरीके से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं छोटा सा टूल ले रखा है हाथ में, इस तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब ये बन करके आता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो पसंद आती है वो चीज़ लग रही है मुझे इसकी पैड़ियाँ, क्योंकि पैड़ी रियल में देखने में ऐसे लगते हैं जैसे हमने हकीकत की ही पैड़ियाँ होती हैं, आपने भी देखा होगा। और कुल्हड़ का जब ये यहाँ पे पानी आता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब पैड़ियों से धीरे धीरे पानी नीचे की साइड गिरता रहता है। अभी तो दोस्तों मैंने इसके कलेंचो की तीन वैरायटी लगाई हैं, एक पैड़ियों के साथ में, एक ऊपर और एक साइड में, लेकिन अभी मुझे कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मैं इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मैं इसमें छोटी सी टेबल और एक छोटा सा टैटू बिठाना चाह रही थी, लेकिन टैटू इस वक्त मेरे पास नहीं है। जैसे छोटे छोटे से बच्चों के खिलौने में निकलते हैं, छोटी सी कार और छोटे छोटे से टॉयज़, वो बहुत अच्छे लगते हैं इनके अंदर जब हम इन्हें रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे लगा के देख रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से सोइल अगर आप दबा देंगे तो जो एयर है वो नहीं जाएगी और आपका जो प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ अपने टर्टल वाइन, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने लगा दिया यहाँ पे टर्टल वाइन, अब थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। और ये आ गया हमारी दूसरी एक तो मैंने आपके सामने अभी कंप्लीट करके दिखाया है, दूसरे को मैंने कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना होता है, मैंने उसमें सोइल भर के आपको दिखाया था, और अब सीधे प्लांट लगा करके आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा दूसरा क्राफ्ट, आप लोगों के सामने बना करके दिखाया था, मतलब सोइल भर दिया था और उसमें भी कुछ नहीं करना है। मैंने इसमें एक पेंसिल कैक्टस लगाया है और एक एलोवेरा की कटिंग लगाई है। बहुत आराम से दोस्तों इसको भी ऐसे ही आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लांट को देख करके ही आप आराम से इन्हें अटैच कर दीजिए
और प्लांट ऐसे लगाइए जो बहुत आराम से चलते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल कैक्टस की कटिंग लगाई है, क्योंकि पेंसिल कैक्टस भी बहुत आराम से बहुत जल्दी इनमें रूट्स बन जाती है, एक हफ्ते में इनमें रूट्स आ जाएंगी। और ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ऊपर से सीढ़ियाँ दिखाते हुए नीचे की साइड लेकर के गई हूँ। गोल गोल देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे गोल सीढ़ियाँ लगा दिया हो। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा वाला पसंद आया। और चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।